हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज़। जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत का ये एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है, इसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपलोड कर दिए हैं पार्ट वन में। ये मैं पार्ट टू अपलोड कर रहा हूँ। जिसने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन देख ले, उसके बाद ये पार्ट टू देखें। पार्ट वन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का ड्राफ्ट कैसे है और उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, इस चीज़ को लेके मैंने पार्ट वन में काफ़ी डिस्कस किया है। पार्ट वन में मैंने जो है सिलेबस हिंदी में नहीं बताया था, सिलेबस मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही डिस्कस किया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कि मैं जो ये सिलेबस हिंदी में भी एक बार बता दूं। तो हिंदी में सिलेबस जो है मैं इसमें बता रहूँगा सबसे पहले, उसके बाद जो है मैं इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हर बार आते हैं वो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़। वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़ के बारे में जो है सिलेबस के बाद मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दे। तो जिसने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पार्ट वन वाली, ये इन्वायरमेंटल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की है वो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं हम अपने सिलेबस की। तो सिलेबस को हिंदी में जैसे कि इंग्लिश में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये फर्स्ट यूनिट है हमारी। और फर्स्ट यूनिट में हमें बेसिकली जो है पर्यावरण अध्ययन का परिचय, जो पर्यावरण है उसके अध्ययन का परिचय हमें पढ़ना है, जिसमें कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं जैसे कंपोनेंट्स वगैरह, ठीक है। पर्यावरण एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ जो है पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन अलग अलग हैं। इसके ऊपर भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण विज्ञान क्या है और पर्यावरण अध्ययन क्या है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि पर्यावरण अध्ययन की बहु अनुशासनात्मक प्रकृति क्या है, फिर पर्यावरण अध्ययन के कार्य क्षेत्र और महत्व क्या है, फिर पर्यावरण के महत्वपूर्ण मील पत्थर क्या है। तो इस तरीके से ये यूनिट वन जो है हमारी चैप्टर वन को इसमें हम बेसिकली देख सकते हैं। सेकंड जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणा संरचना पिरामिड और अनुक्रमण, ठीक है। तो इस यूनिट में जैसे कि हमने इकोसिस्टम वाला जो मैंने इससे पहले जिनके फर्स्ट पार्ट वाली जो वीडियो बनाई है वो इन्हीं चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर पे ही बनाई है, ठीक है, जिसमें इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर पिरामिड्स एंड सक्सेशंस के बारे में मैंने बताया है। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम अगर देखें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी कल पिरामिड्स एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसी तरीके से हम इस चीज़ को हिंदी में देखते हैं कि जो पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा क्या है, इसे सीधा क्वेश्चन भी आता है, और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे होती है, उसके जैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी की जो तंत्र है उसका पिरामिड क्या है, उसका फूड सिस्टम चेन सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो थर्ड चैप्टर है उसमें पारितंत्र के यानी कि इकोसिस्टम के बायोकेमिकल जैव रासायनिक चक्र, उसमें बहुत सारे चक्र जैसे कि जल चक्र व कार्बन चक्र, ठीक है, और कार्य प्रवाह आदि के बारे में इसमें बताया गया है। थर्ड के बाद हमारे पास जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में बेसिकली हम जो देखेंगे वो है इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। तो टाइप्स एंड सर्विसेज से बहुत इंपॉर्टेंट सारे एक क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी सेवाएं जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा दी जाती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं इनके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम सर्विस एंड इकोसिस्टम प्रिवेंशन एंड कन्वर्सेशंस, ठीक है। तो इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवाएं हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो है संरक्षण उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी, नेक्स्ट यूनिट है वो नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों में हम जो बेसिकली देखते हैं भूमि संसाधन है, तो भूमि संसाधन में हम भूमि से रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंट में इश्यूज़ हैं हम उनको देखते हैं,
एंड सेकंड जो है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें हम बेसिकली देखते हैं वाटर को, ठीक है, वाटर रिसोर्स यानी कि जल संसाधन। तो जल संसाधन में हाइड्रोलॉजिकल चक्र है जो, ठीक है, वो भारत में जो जल संसाधन है उसके लिए क्या नियम है और क्या क्या समस्याएं हैं, नदियों में जल की मांग को लेकर, नदियों में के किस तरीके का जो स्थिति है, इस पूरी सिस्टम को हम जल संसाधन में देखते हैं। और उसी प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी रिसोर्स में हम ग्रोविंग एनर्जी नीड्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें बहुत सी बार जो है ना, एक ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत सी बार पूछा जाता है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा सामग्री क्या है, परमाणु ऊर्जा क्या होती है। तो आपको जो है ना ऊर्जा संसाधन के बारे में भी मैं मतलब करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में जो है हम बेसिकली जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, 8 वाला जो देखना है, 8 यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, पोल्यूशन को। तो पोल्यूशन में है वायु, शोर, परमाणु प्रदूषण, और इसी तरीके से जो हम नेक्स्ट में देखेंगे प्रदूषण में जलीय प्रदूषण है, तापीय प्रदूषण है और रुद्र प्रदूषण है, ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं वो बेसिकली इस यूनिट को डिस्कस करेंगे जो लास्ट यूनिट है, और लास्ट यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ई वेस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत सी बार जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट मैनेजमेंट के 5 R principles कौन से हैं। तो अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट प्रबंधन के जो 5 R principle है वो पूछे जाते हैं, अपशिष्ट के प्रकार वगैरह पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो, पार्ट 1 की इंट्रोडक्शन, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, तो उसमें मैंने बताया है कि इसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर लिखने के लिए भी 2 नंबर का या 1 नंबर में पूछा जाता है, राइट रॉन्ग यानी कि ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है फर्स्ट वीडियो देख ले, उससे आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न का जो है एग्जाम्पल पता चल जाएगा, और जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, जिन उनके आंसर्स जो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरी यूनिट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये एक क्लासिफिकेशंस है नंबर्स का, इसमें इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये अपशिष्ट यानी कि टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद हम जो बेसिकली इसमें केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारी केस स्टडी है, जैसे कि लंदन स्मॉग है, लॉस एंजलिस है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि इंडिया की ही है, भारत की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक त्रासदी है, ताजमहल का जो मुद्दा है, गंगा, यमुना, चेर्नोबिल जो कि परमाणु से रिलेटेड है, और फुकुशिमा जो आपदा, ये परमाणु से रिलेटेड है। और एक हम पढ़ेंगे इंदौर की केस स्टडी, जो कि एक तरीके से ग्लोबल मॉडल है वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे हम। आज हम बेसिकली इसी को देखने वाले हैं कि वेस्ट क्या होता है। हमें बेसिकली जो फर्स्टली यही देखना है कि जो वेस्ट है उस वेस्ट को बेसिकली हमें करना क्या है, और उस वेस्ट से, जैसे कि अगर हम इंदौर वाली केस स्टडी देखेंगे, तो इंदौर वाली केस स्टडी में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ये कार्य करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, कि किस प्रकार से उस वेस्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने इन्वायरमेंट को बचाया है। तो इस प्रकार से, जैसे कि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो, तो उस वीडियो में मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि एक दो दोस्त होते हैं, और वो जो है पिकनिक मनाने पार्क में जाते हैं, और साथ में अपना बहुत सारा प्लास्टिक का पन्नी वगैरह लेके जाते हैं। तो इस टाइप का भी आपसे जो है एक तरीके से सिचुएशन दे सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन, तो क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है, और इस पेपर में ही अगर आप देखें तो पेपर का नाम ही है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, यानी कि हमें बिल्कुल इसको एकदम व्यवहार में कैसे ला सकते हैं,
के तौर पर हमें ये पढ़नी होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे वो है वेस्ट। तो वेस्ट क्या होता है? अपशिष्ट जिसको हम बोलते हैं, कचरा जिसको हम बोलते हैं। तो वेस्ट एक ऐसी सामग्री या पदार्थ या उसे उत्पाद के रूप में जाना जाता है जो इसकी जो कि उपयोग पूरे होने के बाद ये उपयोगी नहीं रहते हैं। इनकी वेस्ट इज नोन एज अ मटेरियल टू सब्सिस्टेंस और इट्स बाय प्रोडक्ट दैट इज नॉट फाउंड यूजफुल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स प्रोसेस टू और यूज। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली जो देखते हैं वो कौन कौन से वेस्ट जनरेट होते हैं। तो द वेस्ट जनरेटेड कैन बी फ्रॉम रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें अपशिष्ट आवासीय बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आवासीय है, औद्योगिक है, वाणिज्य है, कृषि गतिविधियों से हो सकते हैं। और ठोस कचरे में जैसे कि हम कागज, धातु, कांच, कार्बन पदार्थ या कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो है बहुत ही खतरनाक होते हैं हमारे शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, और इसमें बहुत सारी जहरीली गैसेस भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम एक केस स्टडी के तौर पे देखें तो इन 2018 द पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन वाज हाईएस्ट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, अप्रॉक्सीमेट 2.58 एंड 3.33 केजी पर डे, एंड इंडिया इट वाज अबाउट 0.34 केजी पर डे। यानी कि 2018 में अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक जो कचरा पर डे देखा गया है, जो कि लगभग 2.5 किलो के आसपास जो है अप्रोक्सीमेट जो है पर डे का था, और भारत में सिर्फ ये जो है अराउंड 300 ग्राम के आसपास रहा है। तो ये जो है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है ये अपशिष्ट जो है, कचरा जो है, वेस्ट जो है, एक ग्लोबल समस्या है, इनकी पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है। ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम ये चीज बन चुकी है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स, यानी कि अपशिष्ट के प्रकार, यानी कि कचरे के प्रकार कि कितने प्रकार के वेस्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वेस्ट में हम देखते हैं ई कचरा। ई मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई गवर्नेंस, ई मेल, ठीक है, तो ई बिल। तो ई मतलब ई जिस शुरुआत में आ गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ओके, तो ई वेस्ट, यानी कि ई वेस्ट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच हैज बीन रेंडर्ड अनलेस आफ्टर फुलफिलिंग इट्स यूज, एंड दीज वेस्ट कंसिस्ट फॉर टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड फैक्स मशीन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड प्रेजेंटली ई वेस्ट जनरेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिड रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल्सो सपोर्टिंग रिसाइकलिंग, रिकवरिंग एंड रिफंडेबल रीसेल और दिस इक्विपमेंट। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें कि ई जो कचरा है वो ई कचरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि उपयोग के बाद अनुपयोगी हो जाता है। जैसे कि हमारे टीवी है, कंप्यूटर है, कॉपियर है, मोबाइल है, फ़ोन है, फैक्स है, यानी कि ई जितनी भी चीज़ें हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं। और वर्तमान में हम ये देखने को मिलता है कि उत्पादन पूरी दुनिया के अंदर इन चीज़ों का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। और ये चीज़ें अपनाई जा रही है कि भाई इनका पुनर्यूज होना चाहिए, फिर नवीनीकरण किया जाना चाहिए का समर्थन पूरी दुनिया में चल रहा है। और एक जो सबसे बड़ा इसको लेके खतरा है, वो खतरा यह है कि ई कचरे का जो सबसे बड़ा खतरा, वो शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि पारा है, कैम्ब्रियम है, लेड है, कॉडमिया है, फ्लेम। तो ऐसे जो है बहुत सारे खतरनाक, हानिकारक चीज़ें पाई जाती है, जो कि शरीर के लिए सीधे तौर पर बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसके बाद दूसरा टाइप, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ वेस्ट जो है उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट वाज क्लासिफाइड एज अ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स रिसर्च एक्टिविटीज और ट्रीटिंग सब्जेक्ट, टेस्टिंग सब्जेक्ट्स।
ठीक है। सो जो बायोमेडिकल वेस्ट है, हम सभी को पता है कि जब हॉस्पिटल्स में एंड रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर जो भी मनुष्य और जानवरों को लेकर जो भी रिसर्च होती है या फिर उनके उपचार निदान के लिए जो भी काम किया जाता है, उससे जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, उस वेस्ट को ही हम क्या बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पे जाना जाता है। ईस्ट वेस्ट को जो है 2016 में नियमित कर दिया गया था, और इसमें क्या क्या आएंगे, किस तरीके से इसको इस वेस्ट को जलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, तो इसके लिए नियम बनाया गया। नियम वॉज दैट कि अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल वेस्ट हैव बीन कलर्ड कोडेड। ओके, कलर्ड कोडेड में बनाया गया, जैसे कि उसमें 4 कलर रखेंगे, ठीक है, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। तो ये पीला, लाल, सफेद और नीला, ये 4 कलर रखे गए, और इन चारों के अकॉर्डिंग उनको जो है, जैसे कि जो पीला है उसमें कौन सा वेस्ट डलेगा, रेड में कौन सा, वाइट में कौन सा, नीले में कौन सा। तो ये क्या था, एक तरीके से एक प्रबंधन था, ये एक मैनेजमेंट है ये समस्या को निपटाने के लिए। थर्ड टाइप ऑफ जो वेस्ट है उसको प्लास्टिक अवशिष्ट और प्रबंधन यानी कि प्लास्टिक वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। द प्लास्टिक वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टेंस्ड मेजर वेस्ट इन द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बेस्ड इन 2017-18। इंडिया जनरेटेड 9.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली। ओके, यानी कि जो भारत की जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, उसने 2017-18 की एक रिपोर्ट में ये कहा था कि उसके मुताबिक ये है कि भारत में सालाना 94 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से केवल 60% प्लास्टिक ही क्या की ली जाती है, रीयूज की जाती है, ठीक है, यानी कि रिसाइकल की जाती है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है इतनी ज़्यादा खतरनाक है हमारे शरीर के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। इसको अगर हम देखें कि ये किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किन किन तरीकों में यूज़ करते हैं, तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें PET1, HDPE2, PVC3, LDPE4, PP5, PS6 एंड अदर 7, तो ये टाइप्स है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज डे बाय डे। ओके, हम जो दैनिक जीवन के अंदर जो भी हम डे बाय डे जो भी प्लास्टिक्स यूज करते हैं, ये उनकी कोडिंग्स है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अगर हम ये देखें, ये जैसे कि हम पानी वगैरह के लिए, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखें, तो हम सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हैं P1, और P1 में प्लास्टिक्स हैं या फिर और तमाम ऐसी चीज़ें, पॉली बैग्स है या फिर जितनी पॉली बैग्स हैं, या हम जो डेली यूज़ में जितना भी यूज़ करते हैं। फिर टाइप 2 में जो है, जितने भी हम शैम्पू, ठीक है, या फिर जो भी इस तरीके के कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो टाइप 2 में आते हैं। एंड द टाइप 3 में जो है, जैसे कि घर बनाते वक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाइप्स वगैरह जो कि प्लास्टिक पाइप्स वगैरह आजकल बहुत चल पड़े हैं, अगर लोहे के टाइप पाइप अब बहुत कम चलते हैं बिकॉज ऑफ जंग लग जाता है एंड उनका रख रखाव कर पाना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन प्लास्टिक पाइप्स जो है बहुत इजीली कैरिंग हो जाती है उनकी। इसी तरीके से 4 है, 5th है, 6th है, 7th है, तो इनको हम एवरी डे लाइफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक हमारी एवरी डे लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसी तरीके से हम जो प्लास्टिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्लास्टिक मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए 2018 में एक बहुस्तरीय प्लास्टिक यानी कि MLP को चरणबद्ध तरीके से हटाया और संशोधित किया गया, और जिसमें पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, और किसी किस किस चीज़ का पुनर्निर्माण किया जाएगा, किस किस चीज़ को रिसाइकल किया जाएगा, किस चीज़ को नहीं किया जाएगा, इसके बारे में पूरा का पूरा जो है एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाया गया था, और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा काम किया जाता है कि कितनी मोटाई रखी जाएगी, कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सबसे
इम्पोर्टेंट चीज़ के तौर पे देखी जा सकती है, जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन के 5 R सिद्धांत, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट में 5 R। तो वेस्ट मैनेजमेंट में जो 5 R है उनमें से फर्स्ट R जो है वो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कमी, यानी कि द रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन कैन बी स्टार्टेड बाय द हाउस होल्ड बाय रिड्यूसिंग द पैकेजेस ऑफ कमोडिटीज, इंक्रीजिंग ड्यूरेबिलिटीज एंड अवॉइडिंग डिस्पोजल्स एंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स, यूज जूट बैग्स और क्लॉथ्स बैग और मार्केटिंग एक्सेट्रा, एंड रिड्यूसिंग पेपर वर्क इन होम एंड ऑफिस, एंड प्रमोटिंग ई मेल एंड ई बिल शुड बी प्रमोटेड। तो कमी करना, यानी कि इन चीज़ों में कमी करना है जो कि हम एवरी डे करते हैं, जैसे कि हम डिस्पोजल वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ से हमें बचना है। और बाज़ार जाना है तो बाज़ार जाते वक्त हमें जो है जूट के बैग है या कपड़े का थैले हैं उनका इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है इसी में कमी में, यानी कि रिड्यूज़ में क्या रिड्यूस करना है, हमें रिड्यूस करना है जो कागजी कार्यवाही है घरों में हो या कार्यालयों में हो उनको कम करना है। और बढ़ावा किस चीज़ को देना है, ईमेल को। इनकी हर चीज़ का जवाब आजकल ईमेल से दे दिया जा सकता है, हर व्यक्ति आजकल ईमेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर जिसके पास भी स्मार्टफोन है उसके पास ईमेल अकाउंट ज़रूर होगा। और ई बिल, यानी कि जितने भी हम बिल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको कागजी कार्रवाई ना करके उनको बिल्स को भी हम ई के थ्रू भेज सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक बिल के थ्रू भेज सकते हैं। सेकेंड है रीयूज। रीयूज द हैबिट ऑफ रीयूजिंग कमोडिटी शुड बी प्रमोटेड। वन ऑफ कैन डोनेट बुक, ओल्ड क्लॉथ एंड इलेक्ट्रॉनिक बाई गेटिंग इन टू टच विद ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे कैन डायरेक्ट यू टू नीडफुल पीपल एंड हु मे फाइंड नीड टू दीज रिसोर्सेज। सो यानी कि जो रीयूज है, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग, यानी कि उन चीज़ों का दोबारा से इस्तेमाल करना। तो जैसे कि पुरानी किताबें हो जाती हैं तो बेसिकली हम ये देखते हैं पुराने कपड़े हैं, पुरानी किताबें हैं या पुराने इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं जो कि वेस्ट हो जाता है। जबकि हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द 5 R principles, तो उसमें यह है कि जो पुरानी किताबें हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हम उसको दान कर सकते हैं और ऐसे संगठनों से संपर्क कर सकते हैं जो कि आपको उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके जिनके लिए वो संसाधन यूजफुल है, अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए यूज का नहीं है वो किसी के लिए तो यूज का होगा। थर्ड जो चीज है, थर्ड आर जो है वो है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स जो है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पुनर्चक्रण, यानी कि उस चीज को जो है दोबारा से, जैसे कि जैविक कचरे से कागज, धातु, कांच और प्लास्टिक को अलग करना बहुत ही जरूरी है, और इन कचरों का उपयोग पुनर्चक्रण और एक नए उत्पादन बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि और इससे बचाव क्या होगा, इससे एक नवीनीकरण कागज से 25 से 30 पेड़ बचाए जा सकते हैं, दूसरा 25,000 लीटर पानी बचाया जा सकता है, 4,000 किलोवाट ऊर्जा बचाई जा सकती है। इनकी रिसाइकलिंग सेव अदर रिसोर्स। ठीक है, रिसाइकल करने से क्या होगा कि अदर सोर्स ऑल्सो सेव अदर रिसोर्सेज एंड इट्स गुड फॉर इन्वायरमेंट। अ टन्स ऑफ रिसाइकल्स पेपर कैन सेव 25 to 30 trees, 35,000 ऑफ लीटर वाटर एंड 4,000 किलोवाट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आर इज रिकवर। रिकवर को हम बोलते हैं पुनः प्राप्त करना, यानी कि रिकवरिंग इज वन ऑफ द मेथड वेयर मोर रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड। ओके, जैसे मैकेनिकल एंड टेक्निकल टू कन्वर्ट टू रिप्रोसेस टू वेस्ट इन टू एनर्जी। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमें उन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है और उनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, तकनीकी स्थिति से इसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा का जो ऊष्मा, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको जो है करके उसको एक तरीके से कन्वर्ट करके उसकी एनर्जी के रूप में उसको फॉर्म किया जा सकता है।
एंड थर्ड लास्ट वन इज जो फिफ्थ आर है वो है रिफ्यूज, यानी कि कचरा, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट टू गेट रिड ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड टू डंप अकॉर्डिंगली लैंडफिल। तो जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सी जगह पर, जैसे कि अगर आप दिल्ली और NCR में अगर रहते हैं तो आपने देखा होगा गाजीपुर वाला जो लैंडफिल है वो जो है 30-35 साल से वहीं है, उस पर दिल्ली का जितना कचरा होता है सब वहीं पर जम जाके इकट्ठा होता है, और वहाँ से जो है थोड़ा बहुत जो है उसको एनर्जी में यूज़ किया जाता है कुछ किसी चीज़ के लिए। इसके अलावा जो आप ये फिगर देख रहे हैं इसमें जो है सोयल वेस्ट मैनेजमेंट है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ से देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिड्यूस, सेकेंड है रीयूज, थर्ड है रिसाइकल, फोर्थ रिकवर एंड फिफ्थ वन इज रिफ्यूज। तो हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके से पढ़ा है जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ये सेम यही क्वेश्चन लाइक कि अपशिष्ट प्रबंधन के 5 R कौन से हैं, तो आप ये डायग्राम भी बना दें। अगर ये आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको मार्क्स थोड़े अच्छे मिलते हैं। और ये ध्यान रखिए इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है, थोड़ा डायग्राम बनाना उसमें देखें, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट होती है। तो इस डायग्राम को सेम जैसे आपने बताया था कि रिड्यूस होता है पहले, फिर रीयूज होता है, फिर रिसाइकल, फिर रिकवर एंड देन रिफ्यूज, ओके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में 3 वर्ड और है जो कि सेम रिसाइकल यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर पढ़े जाते हैं। इसमें सबसे पहले है भस्मीकरण यानी कि किसी चीज़ को जला देना, एंड कंपोजिटिंग एंड लैंडफिलिंग। तो भस्मीकरण का जैसे कि नाम से ही है, भस्म कर देना, राख कर देना, किसी भी चीज़ को जला कर राख कर देना, ठीक है। तो भस्मीकरण जो है ये जो मेडिकल कचरे और खतरनाक कचरों को भस्मीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही उपचारित किया जा सकता है, क्योंकि इनका उपचार पारंपरिक तरीके से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो भस्मीकरण प्रक्रिया का जो नुकसान है वो डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जैसे हानिकारक गैसों का निकलता है, जो कि मनुष्य के गंभीर स्वास्थ्य भी पैदा कर सकता है। सेकेंड जो है वो है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग जो है ये एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल कचरे के अपशिष्ट अपघटक के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना शामिल है, और खाद बनाने के लिए कृषि या रसोई के कचरे से बने जैविक कचरे का उपयोग किया जाता है। थर्ड इसमें जो है वो है लैंडफिलिंग। लैंडफिलिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि लैंडफिलिंग जो है एक तरीके से कचरे को निपटाने का एक तरीका है, जिसमें कि शहर से थोड़ा दूर या फिर बस्ती से थोड़ा दूर ले जाकर जो है कचरे को इकट्ठा किया जाता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि जब उसमें से बदबू आने लगती है या कुछ होने लगता है तो उसमें जो है मिट्टी की एक मोटी परत से उसको ढक दिया जाता है, फिर उसमें उसके ऊपर से जो है वृक्षारोपण कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो है लैंडफिल में जो मीथेन है, ठीक है, वो थोड़ी कम की जा सके। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था गाजीपुर लैंडफिल, तो गाजीपुर लैंडफिल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट लैंडफिल एरिया इन द NCR एंड NCR दिल्ली रीजन। एंड आपको पता ही है कि ये जो है जो दिल्ली NCR में हम सब लगभग रहते हैं, और इसमें गाजीपुर जो लैंड फील है वो बहुत ही पुराना है, लगभग 30 साल पुराना है, और इसकी क्षमता जो है लगभग 65 मीटर ऊंचा है, और ये नगर पालिका के जितने भी कचरे दिल्ली के होते हैं उन सबको वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है, अगर गाजीपुर की तरफ को जाना होता है तो लगभग ये हमें दिख जाता है कचरे का पहाड़ वहाँ पर, तो उसको कचरे के पहाड़ के नाम से भी अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, लेकिन गाजीपुर लैंडफिल के नाम से उसका बड़ा नाम के तौर पे जाना जाता है। इसमें जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यालय ने
इस समस्या के निपटारे में रुचि दिखाई है और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के संबंध में वैश्विक सतत विकास लक्षणों को पूरा करने के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए विभिन्न संस्थाओं को शामिल किया है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है या और भी जितने भी अभियान हम देखते हैं जिसमें स्वच्छता को लेकर हो, पर्यावरण स्वच्छता को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, इस तरीके के हम जो है चीज़ें जो है हम इसमें देख सकते हैं। तो अब जो हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है अब केस स्टडीज़। तो ये केस स्टडीज़ डायरेक्ट भी आ जाती है, डायरेक्ट दो नंबर के क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई केस ये भोपाल गैस त्रासदी क्या है, या फिर लंदन स्मॉग 1952 क्या था, लॉस एंजलिस स्मॉग एपिसोड क्या है। तो 1950 जैसे कि हम फर्स्ट केस स्टडी देखेंगे लंदन स्मॉग, तो लंदन स्मॉग जो है 1952 में हुआ था। तो लंदन मीन्स इनकी यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम इनकी सर्दी का टाइम था और उस टाइम में जो है जो दिसंबर का टाइम था, दिसंबर के टाइम में जो है तेज हवाएं चलने लगी एकदम पश्चिमी यूरोप से, और उससे क्या हुआ कि काफ़ी सारा जो स्मॉग है, यानी कि स्मॉग मुख्य तौर पर हम जिसको धुंध बोलते हैं वो उसको स्मॉग कहा जाता है, जो कि 1905 में जो है कॉल स्मॉग ने जो हेराल्ड डेक्स वॉक्स थे उन्होंने इसको स्मॉग का नाम दिया था, और जो हम धुएं और कोहरे के रूप में विषम संयोजक संयोजन के संदर्भित करते हैं। और स्मॉग कैसे बनता है आप सभी जानते हैं कि जैसे कि औद्योगिक भट्टियों से बनता है, भट्टों से बनता है, वायरलेसों से, घरेलू झंझरियों से, भाप के इंजनों से, नहरों के जहाज़ों से, कोयले से, व्हाटएवर जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों से बनता है, या फिर इनके चलने से, परिवहनों से, रेलवे से, जहाज़ की उड़ानों से, इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि ये क्या है कि फॉग बनता है। और इसमें ये जो स्मॉग है, ये स्मॉग जो है इसके कारण इतना बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ कि लगभग जो है 8000 यानी कि 8000 युवा और वृद्ध क्रोबायोटिक्स हृदय रोग की चपेट में आ गए, और सल्फर से लदी इस कालिक की स्थिति से मौतों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि इसे ग्रेट स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में जो है 1956 में स्वच्छ वायु अधिनियम के तहत इसको जो है इनकी क्लीन एयर एक्ट बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1956 में, ताकि इस तरीके की जो है सिचुएशन फिर दोबारा ना हो सके। सेकंड केस स्टडी में जो है वो सेकंड केस स्टडी है वो है लॉस एंजलिस केस स्टडी। तो लॉस एंजलिस केस स्टडी जो है उस केस स्टडी में हम ये देखेंगे, तो लॉस एंजलिस केस स्टडी 1943 यानी कि 1943 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में हुई थी, और इसमें भी एक तरीके से धुंध जो सल्फर की धुंध है उससे का पूरा एक कोहरा सा था, जिसमें कि हम इसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होती है, और जो सूर्य के प्रकाश की जो उपस्थिति है वो मुक्त ऑक्सीजन के रूप में देखी जाती है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये पहली बार हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस क्षेत्र में प्रमाणित हुआ है, और इससे आंखों में जलन होती थी, तंबाकू जैसे पौधों को नुकसान पहुंचता था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत जो है वाहनों से उत्सर्जन, विमानों से, जहाज़ों से, ट्रेनों से, या फिर जो उद्योगों से, घरों से जो उत्सर्जन होते थे, तो इससे जो है जो लोगों को दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन होने लगी, फेफड़ों में दर्द, घबराहट, खांसी, सिर दर्द, ऐसे लक्षण लोगों में दिखने लगे, और ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है वो कम होने लगी थी, और उन लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है जो पहले से और भी पुराने जो ब्रोंकाइटिस के जो पहले से पीड़ित थे। तो इस केस स्टडी में जो है बेसिकली हमने जो है लॉस एंजलिस के बारे में देखा कि लॉस एंजलिस के अंदर किस तरीके का ये स्थिति हुई थी, जो कि एक नॉर्मली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली केस स्टडी है, उसमें है भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है इसको, या भोपाल गैस आपदा कांड के नाम से भी जाना जाता है, और इन इंग्लिश में
द भोपाल गैस डिजास्टर एपिसोड के तौर पे भी इसको जाना जाता है। तो मुख्य तौर में इसमें हुआ ये था कि 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है और बहुत बड़ा शहर के तौर पे जान जाता है। तो हुआ ये था कि वहाँ पर एक संयंत्र है, इंडस्ट्री है, प्लांट है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड औद्योगिक संयंत्र। ठीक है, इसमें एक कीटनाशक के उत्पादन के लिए इसका बनाया गया था और यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में जो है 40 टन से भी अधिक जो था मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वो गैस थी निकल गई थी, जिसके तुरंत बाद जो है 3,800 निवासियों को वहाँ 3,800 निवासियों को उसने तुरंत मार डाला था और हज़ारों लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। मौतों की जो तादाद थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और मरने वालों का अनुमान भी लगाना संभव ही नहीं था। और कुछ एजेंसियों का मानना था कि 15,000 से अधिक मौतों का दावा किया है। फिर सरकार ने 2006 में सरकारी सूत्रों के अनुसार रिसाव के कारण अक्षम करने वाले चोटों में ये जो चोट दिखाई गई है लगभग इतना 5,58,128 चोटें आई थी और वेंट गैस स्क्रबर एक सुरक्षित उपकरण से 3 सप्ताह पहले बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है MIC का जो तापमान था वो भी संपर्क में लाया गया और इससे अधिक घातक जो हाइड्रोजन साइनाइड जो है HCN गैस बनती है। एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि भंडारण टैंक का तापमान विनाशकारी स्तर तक पहुंच गया था। तो वो जो है पाइप जो फटा था उस पाइप में जो दो गैस थी, एक तो तापमान बहुत हाई हो गया था और दूसरा जो हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो गैस बनती जा रही थी जिससे वो ब्लास्ट हो गया था, गैस निकलने लगी थी, सॉरी ब्लास्ट नहीं, गैस निकलने लगी थी, लीक हो गई थी। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में 0 से 6 मंथ के बीच में जो है त्रासदी की शुरुआत में क्या क्या हुआ, तो इसमें जो है शुरुआत में ये हुआ कि आप थेमिकल्स जो है रसायन है, लालिमा है, पानी का आना है, अल्सर है। ठीक है, इस तरीके की दिक्कत होने लगी और इसमें जो है बहुत सभी डॉक्टर्स के और स्वास्थ्य के लेकर और विश्लेषण को लेकर काफ़ी डिफरेंट व्यू थे। फिर इसमें इसी त्रासदी में ये भी देखा गया कि इसके 6 महीने के बाद कुछ अलग तरह के दृश्य दिखने लगे थे जिसमें लगातार पानी आना और कॉर्नियंस अपेसिटी, कॉर्निक, ठीक है, श्वसन से रिलेटिव जितने भी प्रॉब्लम है जैसे कि वायु रोग में बढ़ोतरी, फिर उसके बाद फेफड़ों के कार्यों में कमी आना, प्रजनन यानी कि गर्भपात में वृद्धि, ठीक है, गर्भपात जो है उसमें वृद्धि होने लगी, बाल मृत्यु दर में वृद्धि का जो स्तर था वो देखा गया। और फिर जो कुछ वंशानुगत जो गुणसूत्र थे उसमें भी चीज़ों में देखा गया कि बहुत सारा इफेक्ट पड़ा। तो ये कुल मिलाकर जो है भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शोक का दिन के तौर पर कि उसमें इतने हज़ार लोग, 15-20 हज़ार लोग मारे गए और इतने सारे लोग जो इफेक्टेड थे उसके अंदर, इसको हम जो है भोपाल देश गैस त्रासदी, क्योंकि इसमें गैस का जो रिसाव हुआ था उसके कारण ये पूरा का पूरा कांड हुआ था। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है ताजमहल इशू, ताजमहल का जो मुद्दा है, केस स्टडी है, ये हुआ, आप सभी को पता है कि ताजमहल जो है 7 अजूबों में से एक अजूबा है, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक स्मारक होने का आज भी जो है विश्व धरोहर की लिस्ट में इसका नाम शामिल है। और लगभग 350 साल पहले जो है अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ की याद में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने जो है यमुना नदी के किनारे इसको बनवाया था। तो 1972 में भारत सरकार ने मथुरा में एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की थी और इस कदम का पूरे देश के जो पर्यावरणविद थे और उन्होंने जो है क्या है इसको कहा कि ये विरोध किया था कि ये वहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनका ये मानना था कि
इससे जो निकलने वाला जो वायु प्रदूषण है ताजमहल के लिए हानिकारक है, क्योंकि तेल जो है उसमें जो धुआं निकलेगा उससे बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 निकलता है, और SO2 जो युक्त हवाएं चारों तरफ फैल जाती है तो उससे बारिश के दौरान जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि SO2 जब वाटर के साथ मिल जाता है तो SO2 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है और अम्लीय वर्षा पैदा करता है। तो जितने भी पर्यावरणविद थे उन्होंने विरोध किया कि अम्लीय वर्षा जो है ताजमहल का जो संगमरमर है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और साथ में ही जो सफ़ेद संगमरमर है वो जगह जगह से चाहे तो पीला पड़ जाएगा या काला पड़ जाएगा। ठीक है, सरकार ने इस तथ्य की जानकारी पता लगाने के लिए 1974 के अंदर एक समिति का गठन किया और एक इटालियन कंपनी टेक्निको को इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा ऑयल रिफाइनरी के कारण हवा में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन के लिए भेजा गया। उन्होंने इस रिपोर्ट पूरा जो है किया था, और फिर उसके बाद WHO ने भी 1900 जो है 82 के अंदर ये जो स्मारक होते हैं उनके प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए ताज टेपोजियम जोन TTZ, बहुत सी बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है TTZ क्या है, तो TTZ जो है ताज टेपोजियम जोन है जो कि 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसके अंदर जो है किसी प्रकार का कोयला लकड़ी के ईंधन जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने TTZ की ऊर्जा आवश्यकता के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद जो है गंगा प्रदूषण, गंगा आप सभी जानते हैं कि भारत में गंगा ना सिर्फ नदी है बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ के दर्जा के नाम से नामित है और भारत में इसकी पूजा की जाती है। और यह भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में बन गई थी, और भारतीय गंगा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। और आप सभी जानते हैं कि ये गंगोत्री से गंगा सागर तक का इसका जो सफ़र है, और यह भारत की जो है लगभग एक चौथाई जल स्रोत का स्रोत है, जल के लिए स्रोत है, जिसमें कि मंदाकिनी है, अलकनंदा है, यमुना है, घाघरा है, ठीक है, बहुत सारी इसमें जो है मिलती है नदियाँ। और इसमें लगभग जो है 692 कस्बे शहर इलाके गुजरते हैं जिनसे होकर ये गुजरती है, और 27 शहर की जो आबादी है वो लगभग 1 लाख से अधिक है, और नदी में 600 किलोमीटर से अधिक हिस्से विशेष रूप से कानपुर और पटना के बीच अत्यधिक प्रदूषित है। जो 600 किलोमीटर का एरिया है जिसमें कानपुर से लेके पटना तक का जो एरिया है वो है, और हर दिन लगभग 1300 मिलियन लीटर सीवेज और 250 मिलियन लीटर रासायनिक अपशिष्ट प्राप्त करता है, और गंगा जल प्रदूषण का मुख्य कारण इसके औद्योगिक अपशिष्ट अपशिष्ट है, 20% कारण वो है, और 80% कारण जो है वो है नगर पालिकाओं का अपशिष्ट जिसमें सीवेज वगैरह सीधा आकर मिलता है। प्रमुख कारणों में से जो कारण है वो कारण है, पहला कारण जो है वो है कि जो गंगा नदी में अन्य समृद्ध नदियों के तलछट भार, तो बहुत सारे गंगा के इसमें जो एसोसिएट रिवर्स है वो भी आके इसमें सेगमेंट मतलब इसमें मिल जाती है। सेकंड जो है गांव कस्बों और शहरों का सीवेज, जो सीवेज डिस्पोजल ऑफ विलेज टाउन्स एंड सिटीज, तो उनका जो सीवेज है उसी में आगे गिरता है। देन सेकंड है जितनी भी औद्योगिक है उद्योग लगे हुए हैं नदी के किनारे उनका भी उसमें गिरता है आके सीवेज। फिर है जानवरों और मनुष्यों के शवों को छोड़ देना, ये एक बहुत ही कॉमन थिंग्स है कि भारत में जो है शवों को जैसे कि एक तो है दहन करने के बाद की राख को और कुछ हड्डियों को दहन करते हैं का उसमें विसर्जन करते हैं जब, और जानवरों को डायरेक्ट ऐसे ही फेंक दिया जाता है नदी में जिससे कि प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ने लगता है। और नदी के किनारे दाह संस्कार और दाह संस्कार सामग्री और मानव के जले हुए आधे जले हुए शवों को
निपटाने के लिए भी गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। और जहरीली रसायन, कृषि रासायनिक रसायन जो होते हैं, कीटनाशक वगैरह होते हैं, उनको भी डायरेक्ट ऐसे ही फेंक दिया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत सी बार ये पूछा जाता है, गंगा एक्शन प्लान गैप जिसको बोलते हैं GAP, तो गंगा एक्शन प्लान क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान ये है कि 1984-85 में पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय ने अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए और गंगा के जल की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी 1985 में। और इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे, इसका जो पहला उद्देश्य था वो था चौतरफा पर्यावरण सुधार, और दूसरा था सीवेज उपचार इकाइयों की स्थापना करना और उनका उचित संचालन और रख रखाव करना, तीसरा जो है सीवेज उपचार की बुनियादी सुविधाओं को ऊर्जा और खाद के उत्पादन और मछली पालन, जलीय कृषि और सिंचाई, उपचारित पानी के प्रवाह के साथ जोड़ा जाना था, और चौथा जो इसका उद्देश्य था वो था स्थानीय आबादी को आर्थिक लाभ देना। तो गैप जो है गंगा एक्शन प्लान ने गंगा नदी के जो प्रदूषण है उसको कम करने में के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और वे पूरे अच्छी तरीके से जानते थे, उनको अनुमान था कि गंगा नदी कितनी प्रदूषित है। इसमें लगभग जो है 10,90,000 किलोग्राम जहरीली अवशिष्ट है, 13,00,000 किलोग्राम घरेलू और नगर निगम के अवशिष्टों को हर साल यूपी के शहरों से छोड़ा जाता है। और गैप जो है, गैप का जो पहला चरण शुरुआत हुआ था, इनकी गैप मतलब है गंगा एक्शन प्लान का जो पहला चरण है वो 1985 में शुरू हुआ था, और दूसरा चरण जो है इसका 1995 से 1999। बहुत सी बार फिल इन द ब्लैंक्स में या राइट रॉन्ग इनकी ट्रू एंड फॉल्स में ये पूछा जाता है कि गैप का पहला चरण इनकी गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण कब हुआ और इसका दूसरा चरण कब हुआ। अंत तक योजना पूरी करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाने के बावजूद भी पर्याप्त परिणाम नगण्य था। आप सभी जानते हैं कि लगभग जो है कोई भी उसका फायदा नहीं हुआ था। पवित्र गंगा के पानी को साफ करने के लिए फिर जो है नीदरलैंड, जापान की सरकारों की कई सारी परियोजनाओं को भी सब्सिडी दी गई, एंड बाद में जो गैप है यानी कि गंगा एक्शन प्लान के प्रोजेक्ट में यमुना और गोमती नदियों की सफाई शामिल है, और इनकी सफाई के लिए जो है NGPRSA को 10 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। फिर तकनीकी विशेषज्ञ जो है भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा की सफाई के लिए जो है 5 कार्यक्रम जो है सिफारिश की गई थी। पहले जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी सूक्ष्म बांधों का निर्माण, इनके छोटे छोटे बांध है जो डैम्स हैं उनको बनाना। फिर इसके बाद फोल्डिंग आबादी के लिए योजना और नदी किनारे उद्योगों में कमी करना, क्योंकि बहुत सारे उद्योग जो है नदी किनारे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है उनको और जो है खर्चा भी कम आता है। फिर बैराजों में पानी का सीमित भंडार, जो बैराजों में देखा गया है कि पानी रोक के रख लिया जाता है, उसमें पानी को जो है सीमित भंडार की रखा जाएगा। और जैविक खेती का विकास, आजकल हम देखते हैं कि भाई खेती ना इतनी बड़ी केमिकलों से होने लगी है कि हर चीज़ में पेस्टिसाइड ये वो डाला जाता है, तो इसलिए जैविक खेती का विकास करना। एंड वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र गंगा नदी 2005 को साफ करने के लिए नमामि गंगे नामक एक नई योजना शुरू करी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे किसने शुरुआत की थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में नमामि गंगे जो है गंगे नामक एक नई योजना शुरुआत की थी, और सरकार ने इस परियोजना के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए की मंजूर किए थे। इसके बाद हम आ जाते हैं हम अपने दिल्ली वाले यमुना नदी पर। यमुना नदी भी जो है लगभग 1376 किलोमीटर मार्ग जो है वो तय करती है, और इसमें जो है लगभग 5 भागों में बांटा जाता है इसको। पहले भाग में यमुनोत्री से ताजेवाल जिसमें 172 किलोमीटर है,
उसके बाद है ताजियाला से वजीराबाद का जो एरिया जो है उसमें 224 किलोमीटर वाला एरिया है, जिसमें कि इफेक्ट जो पड़ता है यानी कि जो प्रदूषित करती है वो एग्रोकेमिकल्स के कारण इसको इसको प्रदूषित प्रदूषण प्रदूषण होता है इसमें। इसके बाद जो थर्ड है वो है वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज, जो कि दिल्ली का खंड है। इसमें 22 किलोमीटर का एरिया है और दिल्ली के बहिर्क्षेत्र निर्वाह के कारण यानी कि दिल्ली के अंदर जितना भी गंद है सारा उसी के अंदर आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जो यमुना नदी बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में से एक माना जाता है। इसके अलावा फोर्थ जो खंड है, पांचवा जो डिवीज़न है जिसको हम बोल सकते हैं डिवाइड है, वो है ओखला बैराज से यूटोफिकेटेड सेगमेंट यानी कि चंबल नदी के साथ एक जगह शामिल होने के, यानी कि 490 किलोमीटर का जो एक एरिया है जिसमें रोगाणु से अत्यधिक प्रदूषण और उच्च BOD के साथ मथुरा और आगरा सेगमेंट भी शामिल है। तो उसके बाद पांचवा जो खंड है उसमें चंबल नदी से लेके इलाहाबाद तक जो 468 किलोमीटर का स्तर जो है, यहाँ पर जो है लगभग 468 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें कम प्रदूषण है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण का एरी खंड है वह है दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है इस अत्यधिक खतरनाक है और 22 किलोमीटर से खंड में प्रतिदिन लगभग 1900 मिलियन लीटर सीवेज का निर्वहन किया जाता है और दिल्ली के जितने भी संयंत्र का कुल उपचार क्षमता जो है 1270 मिली लीटर दिन है, यानी लगभग 630 मिलीलीटर दिन अभी भी बिना किसी शोधन के सीधे यमुना नदी में बहा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी मात्रा में सीवेज का या फिर जितना भी ये है ये जाएगा तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। नजफगढ़ और शाहदरा जो है नाले सबसे अधिक समस्या वाले हैं, क्योंकि ये भी दोनों डायरेक्टली जाकर गिरते हैं ही यमुना के अंदर ही, जिसको नजफगढ़ ड्रेन एंड शाहदरा ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है। एंड 1993 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान, जो मैं गैप की बात कर रहा था, गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण में यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, पहले चरण में था गंगा एक्शन प्लान और दूसरे चरण में क्या था यमुना एक्शन प्लान YAP, या ठीक है, को भी लिया गया था। इसमें 127 कार्यशील परियोजनाएं शामिल थी, जिसमें से 48 यूपी में, 76 हरियाणा में और 3 दिल्ली के अंदर थी। तो इस तरीके से जो है किसी ने किस तरीके से इसको साफ करने की कोशिश काफ़ी की गई, लेकिन आज भी यमुना का हाल आप सभी जानते हैं कि वही स्थिति है जो पहले थी, वही प्रदूषण है जो कि पहले था आज, बल्कि बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है। ये केस स्टडी है चेर्नोबिल आपदा। चेर्नोबिल जो है यूक्रेन में एक जगह है जो कि 1986 में जो यूएसएसआर का पार्ट था, और वहाँ पर एक परमाणु जो है रिएक्टर थे उसके अंदर जो है बड़ी आपदा मानी जाती है परमाणु से रिगार्डिंग। और इसमें हुआ क्या था कि 4 जो रिएक्टर में से एक जो है उसके नियमित रखरखाव में अचानक जो है बिजली की कमी, बिजली की वृद्धि के रिएक्टरों में से एक जो है वो अनियंत्रित हो गया और चैन रिएक्शन के कारण इस रिएक्टर में विस्फोट हो गया। और इसमें अनुमान है कि विस्फोट में कारण जो है लगभग 3,35,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया और सैकड़ों लोगों जो है इसमें मारे गए थे, और लगभग 19 मील चौड़े परमाणु रिएक्टर की परिधि को बहिष्कृत क्षेत्र के रूप में बंद कर दिया गया। और लगभग इसमें जो है 34 से 35 वर्षों के बाद आज भी जो है वैज्ञानिकों का मत है कि ये अगले 20,000 साल तक यहाँ रहने योग्य जगह नहीं है। तो ये जो है यूक्रेन में हुआ था चेर्नोबिल में, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर में था, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी
और बाद में अगर हम देखें कि इस एरिया के जो क्षेत्र से थे उनसे संबंधित कैंसर हुआ, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई, ये आपदा परमाणु ऊर्जा के उपयोग को हतोत्साहित करने वाले एक वैश्विक परमाणु विरोधी आंदोलन को भी इसने जन्म दिया था। इसी की तरह एक और केस है परमाणु से ही रिलेटेड, वह है फुकुशिमा आपदा। फुकुशिमा आपदा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व के अंदर कौन कौन सी परमाणु आपदाएं हुई, ठीक है, तो या ऐसे कौन से डिजास्टर हुए, ठीक है, तो उसमें फुकुशिमा एंड चेरनोबिल जो डिजास्टर है वो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो जिस तरह चेरनोबिल है, इसी तरीके से सेकंड पे फुकुशिमा, जो कि फुकुशिमा जो है 2011 में जापान के एक द्वीप में हुआ था, सेम वही परमाणु वाला ही सिस्टम था जिसमें विकिरण का मुख्य रूप से आयोडीन 131, सीजियम 134, सीजियम 137 एंड स्टोटियम 90 एंड प्लूटोनियम 338 शामिल थे। इंदौर केस स्टडी जो है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैश्विक मॉडल, यानी कि केस स्टडी ऑफ इंदौर ग्लोबल मॉडल फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। हम सभी जैसे जानते हैं कि इंदौर सिटी इज़ वन ऑफ द बिग सिटी इन इंडिया, हैज़ बिन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड फॉर द रिकॉर्ड थर्ड टाइम फॉर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, एंड दिस सिटी हैज़ मैनेज फॉर द सेग्रीगेट 100% ऑफ द वेस्ट एट सोर्स एंड सक्सेसफुली मैनेज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू आउट द कंपोजिटिंग एंड ऑर्डर मेथड। तो ये सब करने के लिए जो है जो इंदौर को जो है वैश्विक मॉडल, जो अपशिष्ट प्रबंधन का वैश्विक मॉडल के तौर पर जाना जाता है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो किया था IMC ने, यानी कि इंदौर नगर निगम पालिका जो थी, नगर पालिका नगर निगम के द्वारा इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया गया, नागरिकों की भागीदारी को इसमें लाया गया, और इसमें कई तरीके से किन किन लोगों को इसमें श्रेय दिया जा सकता है। तो सबसे पहले चीज जो चीज़ थी जिसको श्रेय किया, यानी कि अट्रिब्यूटेड द फॉलोइंग स्टेप द सक्सेसफुल हेल्डेड, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि सूचना शिक्षा संचार के जरिए, और दूसरा है अपशिष्ट उत्पादन और संग्रहण केंद्रों के स्रोत पर और थोक में अलगाव, यानी कि वेस्ट जनरेशन एंड सेग्रीगेशन एट सोर्स एंड बल्क ऑफ कलेक्शन सेंटर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज अपशिष्ट संग्रह और परिवहन, यानी कि वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशंस। फोर्थ वन इज अपशिष्ट प्रसंस्करण, यानी कि वेस्ट प्रोसेसिंग। तो इनके जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इन पूरे तरीके को लग किया, यानी कि सूचना शिक्षा संचार, दूसरा है अपशिष्ट उत्पादन और संग्रहण केंद्र के जो संग्रह केंद्र के स्रोत को अलग रखा गया, और अपशिष्ट संग्रह और परिवहन और अपशिष्ट प्रसंस्करण। तो इनके जरिए जैसे कि गीले कचरे को कहाँ करना है, सूखे कचरे को कहाँ रखना है, क्या किस तरीके करना है, ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है इसके जरिए जो है जो इंदौर जो है वो एक क्लीनेस्ट सिटी के तौर पर देखी जा सकती है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है या स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान बोथ आर सेम, एंड दिस इज़ द कैंपेनिंग लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द 2nd October 2014 टू क्रिएटेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द क्लीननेस इन ओवर होम स्ट्रीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घरों को, सड़कों को, देश को, बुनियादी ढांचे को स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने की शुरुआत शुरू की, और इसको ये एक अभियान बनाया, और ये भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है जिसमें सरकार, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, निजी क्षेत्र के लोगों को भाग लेने, और ये एक आंदोलन ग्रामीण और क्षेत्रीय दोनों, और शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता की जागरूकता को पैदा करने के लिए, खुले में शौच को बंद करना, और इस आंदोलन ने समुदायों के बीच स्वस्थ एवं स्वच्छता स्वच्छता एवं स्वच्छ स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी
पैदा की। द मोमेंट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन अमंग द कम्युनिटीज। तो जो ये पूरी हमने यूनिट पढ़ी केस स्टडीज जिसमें देखी, ये केस स्टडीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने ये यूनिट इसलिए सेपरेटली करवाई है क्योंकि इस यूनिट से मेंस क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और किसी भी तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आपका एनवायरनमेंट का पेपर है इसका जो फॉर्मेट है बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जिसने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो इसमें नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो देख ले। फर्स्ट वीडियो जैसे आप देख लोगे तो आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो मैंने एग्जाम्पल तौर पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के तौर पे दिखाया था आपको, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको ये सब करना है। तो ये पेपर, ये सेकेंड पार्ट है, इसके बाद में बहुत ही जल्द थर्ड पार्ट को भी लेके आऊँगा। तो उससे पहले फर्स्ट पार्ट को देख ले, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी आएगा, जल्दी आएगा। और क्वेश्चन पेपर जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको अच्छे से कर ले, क्योंकि लगभग जो है आपके एग्ज़ाम में यही सब आने वाला है। तो अब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।